सो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। हम एक बड़े टेबल को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टेबल्स में और उस टेबल्स का हम यूज़ करते हैं। हम डिवाइड क्यों करते हैं? डेटा रिडंडेंसी को दूर करने के लिए, यानी कि जो भी डेटा रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली वो रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम टेबल को डिवाइड करते हैं और वो रिपीटेशन को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं रिडंडेंसी। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली क्या है? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि अगर आपके पास एक बड़ा टेबल है तो वो टेबल के अंदर एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यूज दैट मींस एक टपल के अंदर, यानी कि एक रो के अंदर एक एट्रीब्यूट के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा वैल्यू है तो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी कि 1NF में नहीं है। तो ऐसे कौन से टेबल्स होंगे जिसमें ये प्रॉब्लम आएगी? तो लेट अस सी एन एग्जांपल। यहां पे एक हमारे पास एग्जांपल है। लेट अस कंसीडर वन टेबल और यहां पे टेबल के अंदर वैल्यूज होगी नंबर, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, ये एम्प्लॉय नंबर कह सकते हैं और ये कॉन्टेक्ट नंबर कह सकते हैं। ओके, एम्प्लॉय नंबर अगर मान लीजिए यहां पर 1, 2 एंड 3, यहां पे तीन एम्प्लॉय का डेटा है मेरे पास। फर्स्ट एम्प्लॉय है ए बी सी एंड एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। यहां पे मेरे पास तीन एम्प्लॉय का डेटा है और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स है। अभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होंगे कि जिनके पास एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर होंगे। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर, सपोज फर्स्ट कॉन्टेक्ट नंबर है 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, तो यहां पे दो कॉन्टेक्ट नंबर है और इसके पास भी यहाँ पे 2, 5, 6, 6, 7, 8। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पे कोई फॉर्मेट हमें नहीं देखनी है, ये एग्जाम्पल के लिए। फर्स्ट टेबल, फर्स्ट एम्प्लॉय के पास दो कॉन्टेक्ट नंबर है, सेकंड के पास दो है और यहाँ पे 3, 4 एंड 5। तब इस पे से क्या पता चलता है कि यहाँ पे इस टेबल में हमें एटॉमिक वैल्यूज नहीं मिल रही है, यहाँ पे हमें मल्टी वैल्यूज मिल रही है। तो ये कॉन्टेक्ट वाला जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा एट्रीब्यूट है? वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मैंने आगे की वीडियोज में डिस्कस कर लिया है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दैट मीन्स एक ही एट्रीब्यूट की एक से ज्यादा वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे दो प्रोसीजर्स फॉलो करनी हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए। बहुत ही बेसिक है, इस टेबल को कन्वर्ट करना है हमें। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एटॉमिक वैल्यूज चाहिए। तो फर्स्ट मेथड ये कहती है कि यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, यानी कि लेट अस डू एन सम। यहाँ पे फर्स्ट है 1, 1 के लिए एबीसी नेम है और फर्स्ट फोन नंबर है 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। अभी सेकंड वैल्यू सेम 1 नंबर एंड एबीसी और यहाँ पे दूसरा नंबर सेव करेंगे। ओके, सेकंड के लिए भी सेम एक्स वाई जेड 2, 5, 6 एंड सेकंड एक्स वाई जेड 6, 7, 8। ओके, एंड थर्ड इज एज इट इज, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मल्टी वैल्यू आ रही थी तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेम रिपीट कर दिया और ये डेटा को अलग कर दिया। तो ये एक मेथड है, इस टेबल को हमने 1NF में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है। तो एक दूसरी मेथड हम फॉलो करेंगे। दूसरी मेथड यानी कि हम दो टेबल बनाएंगे। दो टेबल किस तरह से? फर्स्ट टेबल में मैं स्टोर करूंगा नंबर एंड नेम, लेट अस सी 1, 2, 3 एबीसी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। ये टेबल में मैंने डेटा स्टोर किया। अब यहाँ पे जो एबीसी एबीसी एक्स वाई जेड ये डेटा रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरे टेबल में मैं सिर्फ लिंक करूंगा नंबर से और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर रखूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मेरे पास क्या है 1, 2, 3, 4, सेकेंड अगेन फर्स्ट कॉन्टेक्ट नंबर के लिए 5, 6, 7 है और सेकेंड के लिए है 2, 5, 6 एंड 6, 7, 8। अब यहाँ पे हमें ये चेंजेस करने के बाद क्या बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो डेटा रिपीट हो रहा था वो सिर्फ हमने एक ही बार यूज किया है और यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो प्राइमरी की है, ये टेबल में प्राइमरी की है, उसको हम लिंक करेंगे यहाँ पे एज अ फॉरेन की। और जो नया टेबल बना है उस नए टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी? तो ये दोनों को मिला के हमारी प्राइमरी की बनेगी। ओके,
तो ये दोनों को जब भी हम मिलाएंगे तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी और ये टेबल के लिए प्राइमरी की होगी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स है, फर्स्ट है एंड सेकेंड इज मेथड। अब ये था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। वी हैव नेक्स्ट अगेन एग्जाम्पल। यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि सपोज हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उसमें हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है और यहाँ पे है नेम। अब ये नेम के अंदर सब एट्रीब्यूट्स है, यानी कि एक ही एट्रीब्यूट को ब्रेक कर दिया गया है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में। तो वो लेट्स सी, यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे मुझे नेम मिलेगा। ओके सो इस तरह से भी ये भी हमें एटॉमिक वैल्यू नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है। इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज मुझे मिल रही है, दो दो वैल्यूज मिल रही है, दैट मीन्स ये भी एटॉमिक नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम को सिंपली हम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम को निकाल के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे सिंपली लगा दूंगा, यहाँ पे मुझे टेबल्स में स्प्लिट नहीं करना है। ओके एंड वन मोर एग्जाम्पल जिसे हम देखेंगे, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस। ओके ये एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करना है, सिंपली इसको समझते हैं कि यहाँ पे नेम है और एड्रेस है। अब एड्रेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो सकता है और उसके अंदर हमें सब एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे। किस तरह से, लेट्स सी कि एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे एड्रेस के अंदर। एड्रेस के अंदर हो सकता है पोस्टल कोड होगा, स्ट्रीट नंबर होगा एंड वॉट एवर लैंडमार्क होगा, सिटी होगा। तो ये सारे सब एट्रीब्यूट्स है एड्रेस के। ओके और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक एम्प्लॉय के बहुत सारे एड्रेसेस होंगे, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट बोलते हैं। नाउ कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट है, उसको किस तरह से हैंडल करना है हमें। कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट में हम सिंपली सेम मेथड फॉलो करेंगे, पहले जो एड्रेस दिया हुआ है, जो सब एट्रीब्यूट दिए है उसको अलग करेंगे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की तरह, जैसे कि हम एड्रेस को निकाल देंगे और सिंपली एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर देंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को निकालने के लिए हम जो टेबल्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि अलग अलग टेबल बनाते हैं या फिर एक ही टेबल में वैल्यूज रिपीट करते हैं, वॉट एवर इट इज, कोई भी मेथड फॉलो करो, जस्ट अवर रिक्वायरमेंट इज के टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं रहना चाहिए। सो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सिंपल है, इजी है। लेट्स सी कि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के। स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ये कहते हैं, इन 1NF एट्रीब्यूट वैल्यूज इन अ टेबल शुड बी एटॉमिक, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि वैल्यूज जो एटॉमिक होनी चाहिए, दैट इज नाइदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नॉर कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट इज अलाउड, यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी अलाउड नहीं है, कॉम्पोजाइट एट्रीब्यूट भी अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टेबल जो होगा वो आपका 1NF में ही कन्वर्ट होके आएगा। किस तरह से, नेक्स्ट पॉइंट रीड कीजिए, तो एवरी टेबल इज इन 1NF सिंस द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन गारंटीज वैल्यू शुड बी एटॉमिक। जैसा कि हमने आगे देखा था कि रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो हमें कहता है कि जो टेबल की वैल्यूज होगी वो पहले से ही एटॉमिक होगी, तो यहां पे हमें जो टेबल मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट 1NF में होगा। सो गेट एग्जाम में कभी भी 1NF के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेट एक्सेप्शनल केसेस को निकाल के कभी कभी पूछेंगे, दैट्स वो अलग बात है। कोई कोई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देंगे, बट मोस्टली 1NF के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन आपको 1NF के बाद 2NF 3NF इस पे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए 1NF ये जो टॉपिक है वो समझना बहुत जरूरी है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।